जय हिंद सर। सर मैं जनपद बागपत से हेड कॉन्स्टेबल ओमवीर सिंह। सर ये वीडियो बनाने का केवल इतना पर्पज़ है कि आप तक हम कर्मचारियों की कुछ समस्याएं पहुंचाने का माध्यम है, इसके अलावा सर इसका कोई उद्देश्य नहीं है। सर मैं बहुत आहत हूं सर, वह आहत इसलिए हूं सर, पिछली एक डेढ़ साल में कम से कम 10-12 कांस्टेबलों ने आत्महत्या कर ली है सर, लेकिन किसी भी अधिकारी, किसी भी नेता या किसी भी हमारे उच्च अधिकारी का कोई उसमें बयान नहीं आया, कोई उनके सहानुभूति नहीं आई सर। और सर आज भी ये वीडियो मैं इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि कल में 2 सुसाइड हुई हैं, एक जनपद मेरठ में एक सिपाही ने फांसी लगाकर जान दे दी और एक जनपद अयोध्या में राइफल से एक सिपाही ने गोली मार ली सर। सर क्या कभी किसी ने सोचा क्या ये आत्महत्या हो रही है, क्यों हो रही है, किसी ने संज्ञान लिया सर इनका आज तक? क्या हम लोग सर इंसान नहीं है या हम लोगों की कोई समस्या नहीं हो सकती? सर क्यों हम लोग इतना प्रेशर में रहते हैं सर, ना हम अपने घर को देख सकते हैं, ना हम अपने परिवार को देख सकते हैं सर। सर मैं इसलिए आहत हूँ, अभी 20 जुलाई को मेरी सिस्टर की डेथ हुई, उस तक में मुझे छुट्टी ना मिल पाई, और तो कब मिलेगी सर, 2 बच्चे हैं उसके सर, उसकी जिम्मेदारी मेरे पर है, लेकिन नहीं, हमारी पोस्टिंग इतनी दूर कर दी जाती है, ना हम बच्चे दे सकते, ना अपनी बीमार माँ को देख सकते, ना अपने परिवार को देख सकते। कम से कम सर इतना अनुरोध है आपसे सर कि प्लीज़ कम से कम ये बॉर्डर स्कीम हटा दीजिए, कम से कम अपने ज़िले के बराबर वाले ज़िले में रहेंगे, कम से कम अपने घर को तो देखते रहेंगे कि हाँ हमारे घर में हो क्या रहा है, कम से कम कुछ तो हम लोगों को मानसिक शांति मिलेगी सर। लेकिन सर कोई सोचता ही नहीं हम लोगों के लिए, बस ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी से आए तो त्योहारों की ड्यूटी, त्योहार की ड्यूटी से खत्म हुए तो घर की रात की गश्त ड्यूटी उससे खत्म हुए। कभी आपने ये सोचा सर किसी ने भी कि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोगों को भी रेस्ट चाहिए या हम लोगों को भी चाहिए? आजकल एक चीज़ और बना रखी है सर अधिकारियों ने, छुट्टी लेने जाएंगे उनके पास, अब आपको अगर जरूरत 7 दिन की है तो उसमें वो 3 दिन की करके देंगे, क्यों सर? जब आप लोगों ने हमारे लिए 30 दिन की छुट्टी निर्धारित कर रखी है एक साल में, तो सर वो छुट्टी देने में क्या दिक्कत आती है? हम लोग अपनी समस्या के अकॉर्डिंग ही तो छुट्टी लेने जाते हैं सर, और तो कोई उसमें वो नहीं होता सर। लेकिन किसी ने भी आज तक कुछ नहीं, बात छुट्टी की ही नहीं और भी बहुत समस्याएं सर, ये जितनी भी मौतें हुई हैं लगभग सब इन्हीं कारणों से हुई हैं, छुट्टी ना मिलना या डिप्रेशन में रहना या अन्यथा और परिवार में कोई और समस्या है। अगर सर अन्य स्टेट भी हैं हमारे यूपी के बराबर में जितने भी स्टेट हैं, सभी में ऑलमोस्ट होम डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी है सर, आप होम डिस्ट्रिक्ट ही ना करके कम से कम बॉर्डर स्कीम खत्म कर दें, बराबर के ज़िले में ही पोस्टिंग दे दें। और सर मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मैं आहत हूँ बहुत ज़्यादा, मैं परेशान हूँ, लेकिन सर इस वीडियो को अन्यथा के मतलब में नहीं लिया जाए, मैं अनुशासनहीनता नहीं कर रहा सर, एक आम आदमी अपनी समस्या वीडियो के माध्यम से आपको बता सकता है तो सर मैं भी बता सकता हूँ, केवल ये आप तक मेरी बात पहुँचाने का जरिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, बाकी सब है। और सर मैं हाथ जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया ये जो जितनी भी सुसाइड हो रही हैं इनका संज्ञान लें सर, प्लीज़ संज्ञान लें सर। जय हिंद सर।